So hi, all of you. We are on part number 28 of MCQ, where we are going to cover another 20 important MCQ. If you are new on the channel, do like, share and subscribe. So that jitne bhi important video aaye aap tak zarur pahunche. Ye sare jo part main aapko padha raha hu ya bata raha hu, ye sare part humne aapke PDF mein available karwa liye hain. You can find out from www.learnbeyond.co.in. इस वेबसाइट पे जाके आप उसके नोटिफिकेशन के पेज से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं आपकी आज की इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सेशन की। रफ्तार हमारी थोड़ी सी एमसीक्यू में तेज हमेशा की तर्ज पे रहेगी। तो शुरुआत आपके क्वेश्चन नंबर 541 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिए, हम पब्लिक सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, हम उसे बोलते हैं जिस यूनिट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भागीदारी का हिस्सा स्टेक जो होता है वो 51% से ज्यादा रहता है। तो सीधी सी बात है, पब्लिक सेक्टर बैंक में पूछ रहा है कि किसका शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसे हम बोलते ही हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भागीदारी 51% ज्यादा होगी। अगर 51% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा तो बाकी के जो शेयर होंगे वो बिलो 51% होते हैं, जिसके कारण से मेजोरिटी ऑफ द स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक और PSUs ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 542 को हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, इफ ए डिपॉजिटर इज ए सीनियर सिटीजन, हिज टोटल इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट, ही सी कैन सबमिट डैश व्हिच फॉर्म टू द बैंक रिक्वेस्टिंग देम नॉट टू डिडक्ट एनी TDS ऑन देयर इंटरेस्ट। देखिए, वैसे सीनियर सिटीजन जिनका एज 60 ईयर्स से प्लस है और टैक्सेबल नहीं है, है ना, टैक्सेशन के दायरे में नहीं आते हैं, तो वो बैंक में अपने FD के अगेंस्ट जो भी TDS इंटरेस्ट अक्रूड होता है उसके लिए बैंक में जो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उस फॉर्म, उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 15H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक सेक्शन है और इसी सेक्शन के आधार पे हमने एक फॉर्म बना दिया है और ये सेक्शन आपके सीनियर सिटीजन को लिए बेनिफिट देता है आपके TDS में। तो वैसे सीनियर सिटीजन जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, द फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्म 15H। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 542। क्वेश्चन नंबर 543, सिमिलरली अगर कोई सीनियर सिटीजन ना है और टैक्सेबल टैक्सेशन के लिमिट में नहीं आता है, बिलो सीनियर सिटीजन 60 इयर्स के एज ग्रुप में है, तो वो जिस फॉर्म को फिल कर सकता है, द फॉर्म इज कॉल्ड 15G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए डिपॉजिटर इज नॉट ए सीनियर सिटीजन, मतलब बिलो 60 इयर्स, हिज टोटल इनकम इज नॉट बिलो टैक्सेबल लिमिट, ही सी कैन सबमिट विच फॉर्म, द फॉर्म इज कॉल्ड 15G। तो आप याद रखेंगे, फॉर वी द फॉर्म इज 15G, फॉर सीनियर सिटीजन द फॉर्म इज 15H। क्वेश्चन नंबर 544, TDS इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बाय इंडियन अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू द, तो TDS जो भी डिडक्ट किए जाते हैं वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स की जो एक्ट है वो 1961 की है। तो राइट आंसर विल बी 1961 ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं क्या कहता है, शायद हमने पढ़ने में कुछ गलती, TDS इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बाय इंडियन अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू, अच्छा कौन कौन से एक्ट के तहत हम TDS लेते हैं, तो TDS सीधी सी बात है इनकम टैक्स के तहत ही लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा इनकम टैक्स 1961 ही होगा, जिसके आधार पर हमने अभी 15G और 15H की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 545, ए डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू TDS अ सर्टिफिकेट कॉल्ड। देखिए, जो भी सैलराइड इंप्लॉय होते हैं उनके लिए जो इंप्लॉयर आपकी सर्टिफिकेट, जो TDS सर्टिफिकेट इशू करती है, उस सर्टिफिकेट को हम जिस नाम से जानते हैं, द नेम इज फॉर्म 16, है ना, ये ओनली फॉर सैलराइड इंप्लॉयड होता है। अदर देन सैलरी के लिए जो फॉर्म इशू किया जाता है, द फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्म 16A, और वैसे इमोवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो फॉर्म होते हैं, द फॉर्म इज कॉल्ड TDS फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्म 16B। तो फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सैलराइड के लिए फॉर्म 16 होगा, अदर देन सैलरी के लिए फॉर्म 16A होगा, और इमोवेबल प्रॉपर्टी कोई है उसके लिए जो TDS या ट्रांजेक्शन का ब्यौरा है वो आपके फॉर्म 16B में होगा। ओके, तो राइट आंसर फॉर 545 इज फॉर्म 16। 546, a deductor is required to issue TDS certificate called for non-salaried, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर सैलरी नहीं है तो कौन सी फॉर्म आएगी, थोड़ी देर पहले मैं बताया, फॉर्म 16A, है ना, अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी होगी तो फॉर्म 16B। तो यहाँ पे 16B से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 547, डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया वेयर गवर्न्ड बाय विच मेजर लेजिस्लेटर्स। तो आप जाने कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसे जो इंडिया में गवर्न किया जाता है
वो आपके इनकम टैक्स तो होगी ही, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की है, और दूसरा जो टैक्स है वो फाइनेंस टैक्स 2016 की है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ए एंड बी बोथ होगा। डी के आधार पे आप जाएंगे, ऑप्शन ई इज रॉन्ग, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, हालांकि मैंने आपके नोट में करेक्शन कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपकी फॉर्म आपकी बोथ ए एंड बी है, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2016 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे जो आप जाने ये जो वेल्थ टैक्स है, इस वेल्थ टैक्स को 2015 में ही एबॉलिश कर दिया गया है। तो आपकी फाइनेंस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, तो ए एंड बी बोथ विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपके नोट्स में ये चेंजेस कर दिया गया है, यहाँ पे भी आप देख लें कि ई इज अ टाइपिंग एरर, यू हैव टू कंसिडर डी इज द राइट आंसर एज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 548। द गिल्ट एज फंड are given the facility of transfer of fund from one center to another, है ना? Another under the remittance facility scheme of the gilt age fund क्या होता है? तो gilt age fund basically आपके government securities हैं, है ना, जो debt investment या debt instrument के रूप में कहे जाते हैं। इसमें low risk रहता है ना, bond और treasury bill के रूप में हम देखते हैं, short term रहता है और इसे RBI regulate करती है। तो gilt age market जब भी आप बोलें तो basically हम बोलते हैं कि selling and purchasing of government securities, तो उसे gilt age market भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो regulation है वो आपके Bankers Bank, Reserve Bank of India का है। Question number 549, gilt funds can access the डैश मार्केट एज लेंडर, द राइट आंसर इज कॉल मनी। जो आपकी मनी मार्केट की आपकी अलग अलग टूल्स है, जिसमें हम कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी कहते हैं। कॉल मनी इज बिलो फॉर वन डे, दैट इज अप टू 24 आवर्स ओवरनाइट पीरियड। नोटिस मनी इज फ्रॉम 2 to 14 डेज एंड टर्म मनी इज मोर देन 14 to 90 डेज। तो कॉल मनी का पार्ट आपके गिल्ट एज मार्केट में लिया जा सकता है, द बी विल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 550, गिल्ट फंड कैन बी अवेल्ड द रिवर्स रेपो फैसिलिटी फॉर मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड की बात होती है वो आपके 14 डेज की होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड से जुड़ा हुआ स्कीम आ गया कि मार्केट में अगर हम फिजिकल गोल्ड ना करके डीमैट के थ्रू हम आपके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, जो RBI के थ्रू सर्टिफिकेट बैक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिस है, उसे हमने सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का नाम दिया है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, वो डीमैट के फॉर्म में होगा, है ना, डीमेटलाइज फॉर्म में होगा। ऑनलाइन आप कर सकते हैं आपके बॉन्ड में आपका इन्वेस्टमेंट, जिसमें 1 ग्राम से लेके ना 4 kg तक का इन्वेस्टमेंट आप किया जा सकता है, आप परचेस कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट बैंक आपको 2.5% का इंटरेस्ट पेमेंट करती है एनुअली। और ये जो मैक्सिमम पीरियड के लिए किया जा सकता है वो अप टू 8 ईयर्स के लिए किया जा सकता है, जहाँ पे 5 ईयर्स का लॉक इन होता है। तो यहाँ पर फॉर इंडिविजुअल 4 kg है, अगर इंडिविजुअल ना हो, ट्रस्ट हो, तो ये आपकी बढ़ के 20 kg हो जाएगी, और अगर इंस्टीट्यूशन है तो 100 kg हो जाती है। तो ये है आपके सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का बेनिफिट। कह रहा है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड आर सोल्ड थ्रू, ऑप्शंस में देखें, कहता है पहला द SHCIL, SHCIL का मतलब होता है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक कोई बैंक, तीसरा है पोस्ट ऑफिस। तो आप जाने कि पोस्ट ऑफिस में ही मिलेगा, SHCIL में ही मिलेगा, बैंक में तो मिलेगा ही, तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 551, क्वेश्चन नंबर 552, इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड डैश टू द बैंक अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर ऑफ गोल्ड बॉन्ड। तो आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो बैंक आपको जो 2.5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, तो ये आपके साल में 2 बार होते हैं, तो बाय मंथली होते हैं, उसी बाय मंथली को सेमी एनुअली हम कहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 553, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेन्योर ऑफ सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। टेन्योर मैंने आपको जब डेफिनेशन बताया उसी में बताया था कि मिनिमम जो होगा वो 5 ईयर्स के लिए होगा, तो 5 ईयर्स का तो लॉक इन होता है, अप टू 8 ईयर्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया टेन्योर, तो टेन्योर हमेशा 8 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी को ही आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 554, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड विल बी ट्रेडेबल ऑन, चूंकि डीमैट के फॉर्म में मिलता है, इस कारण से आप कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में ही आप इसकी सेलिंग परचेजिंग कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 554 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 555, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिजिबल इन्वेस्टर इन
सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, तो कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन परचेज कर सकता है? तो आंसर इज इंडिविजुअल, हम और आप भी ले सकते हैं, एचयूएफ भी ले सकता है, ट्रस्ट भी ले सकता है ना, यूनिवर्सिटी, एनी एक्स वाई जेड इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट इन सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, 5, 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेशन बैंक इज इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी? डीआईसीजीसी का एस्टैब्लिशमेंट 1978 में हुआ, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये आपके पैसे, जो आपके डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है, इसको इंश्योर करती है। अगर एक बैंक में रखा हुआ पैसा है आप ₹5 लाख इन ए बैंक, है ना, तो डीआईसीजीसी के अंदर कौन कौन से बैंक इंश्योरेंस कवरेज में आते हैं? तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी आता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी आता है, आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी आती है, उसके बाद प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी आएगी। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। लेकिन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर रहता तो वो नहीं आती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर बनाए रखना पड़ेगा। जो पीसीबी है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, वो डीआईसीसी से कवर्ड है, लेकिन प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी अगर कुछ है तो वो आपके डीआईसीसी के दायरे में नहीं आती है। तो ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेप्ट प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी इज नॉट कम्स अंडर डीआईसीसी। हाउएवर अबव ऑल ऑप्शंस और बैंक और कोऑपरेटिव बैंक आर कवर्ड अंडर डीआईसीजीसी कवरेज ऑफ ₹5 लाख। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 5, 5, 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंश्योर्ड? देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गया, कौन इंश्योर्ड नहीं है? तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तो है ही, सेंट्रल तो है ही, अर्बन तो है ही, यहाँ पे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है। तो दिस प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी इज नॉट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, 5, 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट इज इंश्योर्ड बाई डी आई सी सी? तो यहाँ पे एफ डी, सेविंग, करेंट, आर डी है। तो आप जाने ऑल डिमांड एंड टाइम, डिमांड का मतलब है कासा, टाइम का मतलब है एफ डी, आर डी। तो सारे के सारे जो आपके डिपॉजिट हैं वो क्या है? तो इंश्योर्ड है। ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 5, 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट इज नॉट इंश्योर्ड बाई डी आई सी सी? कौन सा डिपॉजिट है जो इंश्योर्ड नहीं है? तो आप जाने डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट इंश्योर्ड नहीं है, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ये भी इंश्योर्ड नहीं है, इंटर बैंक डिपॉजिट, दो अलग अलग बैंक में रखे हुए पैसे क्या इंश्योर्ड हैं? तो ये भी इंश्योर्ड नहीं है। तो ऑल ऑफ दिस विल द राइट आंसर। एंड इंट्रा बैंक डिपॉजिट इंश्योर्ड है, मतलब एक बैंक में जो पैसा आपने रखा वो इंश्योर्ड है, लेकिन अलग अलग बैंकों में आपने पैसे रखे हैं तो उस बैंक के लिए वो इंश्योरेंस है, लेकिन आपके एक साथ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो ऑल ऑफ दीज, ये कोई भी जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड नहीं, पब्लिक का जो रखा हुआ पैसा है वो इंश्योर्ड है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज इंपॉर्टेंट 28 एमसीक्यू में हम देखते हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटीज इज अवेलेबल एज पर प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 एंड, तो एंड में क्या है? तो आपकी एक और एक्ट थी 2007। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नॉमिनेशन, नॉमिनी कौन हो सकता है? तो अगर मेरे फादर का अकाउंट है तो उनका नॉमिनी कौन हो सकता है? तो ऐसा नहीं है कि मदर या सन या डॉटर या आपकी कोई भी ब्लड रिलेशन का होगा, एनी एक्स वाई जेड, इफ माई फादर वॉन्ट्स टू मेक हिज फ्रेंड एज नॉमिनी ही कैन। तो नॉमिनी का मतलब होता है कि जो उसका पैसा रखा हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो उसको लेने का हकदार है, ठीक है, उसके बाद उसको फैमिली मेंबर को देना है ना देना है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली ब्लड रिलेशन कैन बी द नॉमिनी ऑफ द कंसर्न इन्वेस्टमेंट, एनी एक्स वाई जेड यू कैन मेक नॉमिनी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 एंड 2006 का जो प्रोविजन है। तो यही हम बात करेंगे आपके इस पार्ट में, तो इतनी ही बात हमारे साथ होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ एमसीक्यू। थैंक यू।